नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है जिप्सी ब्रेकिंग में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अमिताभ बच्चन साहब की फिल्म चेहरे मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, और वहीं बात करने वाले हैं कि इस फिल्म ने आज के दिन यानी कि कितने करोड़ रुपया कारोबार कर रही है अपने फिल्म बॉक्स ऑफिस पर, वहीं ओटीटी प्लेटफॉर्म पे। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं, देखते रहेगा पूरा वीडियो। सबसे पहले बात कर लेते हैं चेहरे मूवी की। तो आप लोगों को बताया चले कि चेहरे मूवी में आप लोगों को नजर आई थी रिया चक्रवर्ती, आप लोगों को बताया चले कि वहीं नजर आए थे इमरान हाशमी और अमिताभ बच्चन साहब भी बहुत ही जोरदार तरीके से एक्टिंग करते हुए नजर आए थे। आप लोगों को बताया चले कि इमरान हाशमी इसमें बहुत ही अलग और बहुत ही हट के अंदाज में नजर आए हैं, जो कि बहुत ही जोरदार तरीके से डायलॉग और वहीं एक्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। और अमिताभ बच्चन साहब की बात करें तो उनकी बात ही निराली है, क्योंकि वो हर फिल्म में जान डाल देते हैं। क्योंकि दोस्तों, आप लोगों को बताया चले कि अमिताभ बच्चन साहब को आज भी ऑडियंस बहुत ही ज्यादा प्यार करती है और बहुत ही ज्यादा पसंद करती है, और इनकी फिल्मों को देखना बहुत ही ज्यादा पसंद करती है। आप लोगों को बताया चले कि चेहरे मूवी, जो कि इन तीनों स्टारों ने बहुत ही जोरदार और बहुत ही शानदार तरीके से काम किया है और बहुत ही अच्छे तरीके से इस फिल्म को बनाया गया है। तो वहीं बात कर लेते हैं इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो आप लोगों को बताया चले कि चेहरे मूवी, जो कि आज के दिन अच्छी खासी ऑक्यूपेंसी दिखा रही है अपने ओटीटी प्लेटफॉर्म, और वहीं आप लोगों को बताया चले कि बॉक्स ऑफिस पर भी ये फिल्म अच्छी खासी ऑक्यूपेंसी दिखा रही है। अमिताभ बच्चन साहब के कारण इस फिल्म का बस बहुत ही अच्छा बना हुआ है और इस फिल्म को लोग देखना पसंद भी कर रहे हैं। ये फिल्म अपने आज के दिन में दोस्तों, आप लोग बताए चले कि 6 करोड़ रुपया कारोबार कर रही है अपने बॉक्स ऑफिस पर। आप लोगों को क्या लगता है ये फिल्म कितने करोड़ रुपए कारोबार करेगी आज के दिन? ये फिल्म अपने बॉक्स ऑफिस पर क्या 6 करोड़ रुपया कारोबार कर पाएगी नहीं? आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही साथ हमारे और आपके चैनल जिप्सी ब्रेकिंग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर हिट करें, ताकि हमारी ऐसी लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।